आज हम जा रहे हैं आपको एक और अच्छा सा मंदिर दिखाने जो कि हिमाचल में काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा है, जिसका बोलते हैं रॉक टेंपल। चलो अभी जाएंगे हम और आपको दिखाएंगे रॉक टेंपल के लिए। चलो आपको घुमा के लेके आए हैं, चलो आपको घुमा के लेके आए आज। सर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप क्या हो गया, आप बहुत बिजी हो गए सर। मैंने काम करना है यार। काम क्या करना है, आज के दिन छुट्टी करो आप। चल सनी घुमा के ले आइए दोनों। नहीं भाई फिर चल रही, फिर चलना है फिर दिन। काम करना, चलो फिर ठीक है, ओके बाय, बाय जी बाय। ठीक है जी, थैंक यू। और ये आ गए हैं अभी अभी राणा जी भी, तो अभी हम इसमें जाएंगे। और विशाल जी क्या हाल चाल है आपके? सर मुझे वैसे ठीक कर लिए आपने, बिल्कुल ठीक कर लिए मुझे। और ये राणा जी, और राणा जी, राणा जी चिक्कड़ चिक्कड़ कहाँ लगाया आपने, समझ नहीं आया। विशाल जी बाल खड़े खड़े करके आए हैं और ये राणा जी भी पूरे जेजी भी बन के आए हैं आज। तो अभी हम निकल रहे हैं, बाइक हमने यहीं पर रहने देनी है और अभी हम चलते हैं। बाय बाय। और ये अब हम गाड़ी में बैठ के निकल चले हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं चिंतपूर्णी 16 किलोमीटर, ज्वालामुखी 43 और धर्मशाला 90 किलोमीटर है यहाँ से। राणा जी आप लेट हो गए, क्या चक्कर है, कहाँ रह गए आप? विशाल को लेट कर रहे थे, विशाल है 10 मिनट। राणा जी थोड़े लेट आए। अच्छा विशाल, मतलब विशाल की वजह से आप लेट हुए हैं। राणा जी लेट आए। और ये संतरे काफी हैं आजकल, संतरों का सीजन लगा हुआ है। के लिए फेमस है यहाँ पे BPS, बहुत दूर दूर से आते हैं तो BPS में काफ़ी फन करते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा है, कपल्स के लिए भी अच्छा है, मैरिड कपल भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। तो ये मुबारकपुर से 4 या 5 किलोमीटर है और काफ़ी रश होता है यहाँ पे। रूम्स अवेलेबल हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट फास्ट फूड सब कुछ अवेलेबल है। और ये जंगलों के बीच में पिकनिक स्पॉट है, ये की सवारी, घोड़ सवारी। ये है आपका BPS। काफी अच्छी जगह है और काफी रश रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाड़ियों की पार्किंग ही पार्किंग। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे धर्मशाला हैकलॉडगंज से ऊपर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ कैसे चमक रही है यहाँ पे। अब यहाँ रास्ते से देख सकते हो कि बर्फ़ कितनी चमक रही है यहाँ पे। मैं आपको आगे फिर दिखाता हूँ, आगे आएगा थोड़ा। तो यहाँ से पहाड़ इतने सुंदर दिख रहे हैं, वो देखिए सामने। कितना अच्छा दिख रहे हैं यहाँ से पहाड़ और उनके ऊपर बर्फ चमक रही है पड़ी हुई। जो ये अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होंगे लेकिन यहाँ से ही दिख रहे हैं हमें।
अभी हम डेरा ढलियारा पहुँचेंगे, देखते हैं नीलू भाई साहब हमें यहाँ मिलते हैं कि नहीं। काफ़ी तहलका मचाया हुआ उन्होंने इंस्टाग्राम पे, अगर उनकी शॉप खुली हुई तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। अभी देखते हैं अगर मिलते हैं कि नहीं, संडे है क्या पता बंद ही हो वो भी। और काफ़ी रश होगा, सैटरडे संडे की दो छुट्टियां थी तो काफ़ी पंजाब वगैरह दिल्ली वगैरह से लोग धर्मशाला वाली साइड आए थे, तो आज शायद वो वापस जाएं या कल ही जाएंगे, आज शाम तक जाएंगे वापस। ये हम पहुंच गए हैं ढलियारा में, अब ढलियारा में नीलू भाई की कहाँ है नीलू भाई हमारा? ओ नीलू भाई कहाँ है? देखो राणा जी कहाँ है नीलू भाई की दुकान? और अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल है थोड़ा कम, तो अभी हम डलवा लेते हैं इसमें पेट्रोल, फिर देखते हैं उसके बाद आगे का क्या बनता है। चलो जी हो जाओ आगे को। इसका ढक्कन कहाँ से खुलेगा राणा? चल रहा है जी, पावर है राणा जी, हमें नॉर्मल डलवाना है कि पावर डलवाना है? डलवा लो राणा जी, कितने का डलवाना है बोल लो, कितने का आप डलवा लो, कितने का डलवाना है? फुल नहीं करनी, कितने का? 1000 रुपये दबा दो। पावर 97.64 है और कर जीरो चेक करो जी, नॉर्मल कर ली, कर ली चेक जी। ये यहाँ का काफी अच्छा पंप है और इसमें तेल वगैरह यहाँ पे काफी अच्छा डलता है। जावा का शोरूम खुल गया है, अगर आपने जावा बाइक लेनी हो कोई तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर किसी कोई मछली खाने का ज़्यादा शौकीन हो तो यहाँ पे हमारे एक मछली वाला है जहाँ पे हमने खूब मछली खाई हुई है। अभी तो हम नॉनवेज छोड़ गए, आपको बताया था मैंने, तो अगर खानी हो किसी ने मछली का शौकीन हो तो यहाँ आएँ और ज़रूर खाएँ, ये आपको हम मिलाते हैं उनसे। अभी टाइम हुआ है 12 बजे, एक बजे के करीब आते हैं, देखते हैं अगर हुए तो आप। ये रही उनकी रेडी, लेकिन अभी तक आए नहीं है ये, तो ये दोपहर को 1 या 2 बजे के बीच में ही आते हैं। तो ये चौक के साथ में ही है, आप इनके साथ कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं डेरा, टैंकी हमारी आधी हो गई हुई है, पूरे हाफ टैंकी पे बता रहा है ये। ये है डेरा का ब्रिज जो भी काफी बड़ा है और काफी ऊंचा है, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है, पानी कम है काफी, और ये बहुत ही पुराना ब्रिज है। ये हम पहुंच गए हैं डेरा चौक में,
दिल्ली हनुमान चौक, और यहाँ से नूरपुर, ज्वाली, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, ज्वालामुखी। एक रास्ता तो यहाँ से आगे से भी बीच में एंटर करता है, वहीं पे निकलता है, लेकिन हम आगे वाले रास्ते से जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तीनों लोक विशाल, तीनों लोक जागर, जय हो भजनपति, मेहर रख करो सब पे। ये अब हम मेन हाईवे से अंदर आ गए हैं, और यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर आगे जाके है वो, तो अभी हम चले हुए हैं इस रास्ते में। काफ़ी पत्थर पुत्थर स्लाइडिंग हुई हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, सड़क के किनारे पत्थर ही पत्थर हैं हर तरफ, और यहाँ पे खैर वगैरह भी काफ़ी हैं। गवर्नमेंट लैंड होगी इसी करके यहाँ से कटे नहीं है, नहीं तो इस टाइम तक तो कट गए होने थे। ये टावर काफी लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पत्थर सारे रोड पे आगे हुए हैं यहाँ पे, पूरी पहाड़ियाँ स्लाइड होके नीचे आ गई हुई हैं। और ये आप, ये गंदा रोड भी है यहाँ पे, काफी घर हैं यहाँ पे इंटीरियर में आके भी। और ये काफ़ी पुराना यहाँ पे रास्ता था, हमने सोचा कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है कोई पुराना, लेकिन ये पुराने ज़माने का रास्ता था। और आप ये देख सकते हैं हनुमान जी की काफ़ी पुरानी मूर्ति यहाँ लगी हुई है, और ये काफ़ी पुराना है, उसके ऊपर काफ़ी घास वगैरह आप देख सकते हैं। ये राजाओं के टाइम का लग रहा है मेरे को। जय हनुमान। और ये नीचे खड्ड है, और काफी पानी है इस खड्ड में। आम जनता को सूचित किया जाता है कि खड्ड में पानी के समीप ना जाएं, क्योंकि ये जलस्तर जान का खतरा हो सकता है। और ये राणा जी भी आ गए हैं पीछे से गाड़ी लेके, मैं उनसे पैदल ही पहले ही पहुंच गया हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितना पानी है यहाँ पे, और ये हम ब्रिज के ऊपर खड़े थे, और वो सामने रहे बर्फ़ के पहाड़, और ये हमने गाड़ी लगाई है ब्रिज के ऊपर, और थोड़ा हम फोटो शूट कर रहे हैं। काफ़ी पानी है यहाँ पे नहाने का, वैसे तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आजकल ठंड बहुत है, इस करके हम नहाने का तो सोच नहीं सकते। हाय गाइस, और ये अभी हम फोटो शूट कर रहे थे यहाँ पे, वो मेरे को आत्महत्या तो नहीं करने जा रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बेरा जब हुआ तो फूल बन गए, रात आई तो सितारे बन गए। ये हम गुल्लेर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हुए हैं।
नहीं भाई साहब, ये ज्वाली वाला रोड है, तलवाड़े से भी जा सकते हैं हम जाना हो तो। ये नगरोटा सूर्या यहाँ से 10 है, ज्वाली 40 और पठानकोट 80 है यहाँ से। अब हम पहुंच गए काफ़ी देर घूमने के बाद, हमने गाड़ी पार्क कर दी। अब ये है सामने, और ये राणा जी अब पहुंच गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने पुराना मंदिर होगा ये। टिकट है वो आपको ऑनलाइन बुक करवानी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप इसको QR कोड स्कैन करके इसमें करवा सकते हैं आप उसको गूगल पे फोन पे नेट बैंक के थ्रू। दिखाओ जी अपनी फोन नंबर 9816780006 8000006 कितने चलते हैं आपकी 4 और ये टिकट कटवा के यहाँ पे स्कैनिंग करके अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं लोकेशन, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और काफ़ी दुनिया आई हुई है। और राणा जी थक गए हैं, विशाल भी थक गया है। एक हमें यहाँ पे डॉगी मिला है, बहुत अच्छा है, ये भी कोड स्कैन करके अपनी एंट्री करके आया है। और चौकीदार की ड्यूटी दे रही हुई है यार, यहाँ पे तो फोटो बहुत अच्छा है, चढ़ नहीं पा रही है। ओ चढ़ गया राणा, और ये राणा चढ़ गया है, बड़ी जोर जोर लगा के चढ़ा है लेकिन चढ़ गया। लेकिन और ये देखिए कितनी दूर दूर है, जैसे किसी को कोई शुआ शूत की बीमारी है। राणा जी को शुआ शूत की बीमारी हो गई है। इतनी दूर क्यों हो रहे राणा जी आप खड़े इनसे? कोरोना है बोलते हैं, तो आपने मास्क लगाया नहीं हुआ और वैसे आप बता रहे हो कोरोना है। गैप रखना, मास्क की जरूरत नहीं। ओके ओके, उचित दूरी है जरूरी। हाँ
चलो अब ये पुराने जमाने के राजा थे, लेकिन अभी दोबारा से इन्होंने पुनः जन्म हुआ है इनका, तो अभी दोबारा से अपनी सियासत संभालने के लिए आए हुए हैं। ये मॉडर्न जमाने के राजा जी हैं आज। चलो राणा जी उतर जाओ। और यहाँ पे खूब मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास आटा वगैरह होता तो हम यहाँ डालते। देखते हैं बाहर कुछ होगा तो वहाँ से ला के इनको डालते हैं। और ये है यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ का, ये चट्टाने यहाँ से गिर गई हुई हैं। ये ऊपर से स्लाइड होके नीचे आ गई हुई हैं, लेकिन ये पहले ऊपर होती थी। तो ये पूरी स्लाइडिंग होके ये टूट गया हुआ है। ये ऊपर के जो इनके ऊपर का हिस्सा था वो उतर के नीचे आ गया हुआ है स्लाइड होके। और ये अभी हम ऊपर हाइट पे है यहाँ पे, तो वहाँ पे चढ़ रहे हैं। और ये साथ में ही इसके मंदिर के साथ में एक स्कूल भी यहाँ पे साथ में ही है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी है ये। तो ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ये हाइट पे जाके हम ऊपर वहाँ जाके दिखाते हैं आपको। काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पे, आप खुद ही देख सकते हैं पुराने टाइम में किस तरह ये चट्टाने तराश के ये मंदिर बनाया हुआ है, इसलिए इसका नाम रॉक टेंपल बना हुआ है। कोई बात नहीं, शाम हम यहीं पे कर देते हैं। बहुत बुरा हाल है, चढ़ाई बहुत है। ये राणा जी काफ़ी जल्दी थक जाते हैं, तो दो चार सीढ़ियाँ चढ़ के इनका हवा निकल गई है अभी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं ये, रोते रोते भी चढ़ जाते हैं सारी चढ़ाइयाँ। और विशाल जी तो मेरे को लग रहा है कहीं चक्कर आके गिर ना गए हो नीचे, नहीं चले हुए हैं वो भी पीछे। और ये हमने गाड़ी यहाँ पे नीचे पार्क की हुई है। और ये यहाँ पे गांव, राणा जी को पसीना पड़ गया, राणा जी को पसीना पसीना हो गए हैं राणा जी। तो ये है यहाँ का रॉक टेंपल, और ये तालाब उसके आगे, और हर तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। हाँ ऊपर से वही है लोकेशन दिख सकते हो, बहुत धूप लग रही है इस करके ये पेड़ के नीचे छुप गया है जाके। इनको बहुत धूप लग रही है इस करके ये यहाँ पे बैठ गए हुए नीचे पेड़ के नीचे। और एक ही हिल, देख सकते हैं काफी भगवानों की फोटो यहाँ पे, जा क्या है ये भी कुछ साफ नहीं रही है यहाँ पे। और ये चट्टाने ही चट्टाने हैं हर तरफ। था मेरा ये मंदिर था, मैं
मंदिर था, बड़ा पुराना मंदिर था। मंदिर नहीं अंदर जी। राणा जी उठाने वाले हैं अभी इसको, चलो राणा जी लेट्स गो, रेडी स्टडी इंडिया गो, उठाओ राणा जी इसको। यहाँ का मेन मंदिर है, माथा रखना है, यहाँ का प्राचीन मंदिर, और ये यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है, आपने अभी तक किसी मंदिर में ऐसा नहीं देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होगा कि पैसे चढ़ाने में, तो यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ पे कि मंदिर के किसी भी प्रकार का राशि अथवा भेद का चढ़ावा नहीं करना। और ये संत काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, कोई लेंटर नहीं है या कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक इतने सालों पुराना ये वैसे का वैसा ही है, और कितने पुराने दरवाजे हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, देख सकते हैं दरवाजे कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे। और अभी हम भी और ये तुलसी का पेड़ लगाया हुआ था, लेकिन अभी सूख गया तो और लग जाएगी यहाँ पे। और ये देखिए हनुमान जी का काफ़ी पुराना है, ये पता नहीं कहाँ से, यहाँ से लगता है ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर से गिर के यहाँ पे आ गई हुई है, या कहाँ से आई है, तो काफ़ी टूट गया हुआ है, लेकिन फिर भी जो बचा है वो काफ़ी अच्छा है। ये है चलो चलते हैं वापस, अभी पोंग डैम जाएंगे, रूट चेंज बाटू की लड़ी है। अभी हमने विजिट कर लिया है और अब हमने सब कुछ देख के अभी हम वापस जा रहे हैं, काफ़ी फ़ोटो शूट कर लिया हमने, काफ़ी रील्स भी बनाई हैं, वो अभी डालेंगे हम बाहर में। दुनिया काफ़ी आ रही है, काफ़ी जा रही है, ये कोरोना करके ऑनलाइन कर दिया हुआ है, नहीं तो पहले टिकट भाई कैश देते थे, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस है यहाँ पे। और ये अब हम देख के हो गए हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, मज़ा आ गया देख के। और ये एंट्री एग्जिट के लिए पीछे ही लड़े जा रहे हैं, की गाड़ी एक हमें आई हुई है यहाँ पे भी। नहीं नहीं नहीं, वो जिधर जाते ना होटल जो ना अपना लगा देंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, मंदिर के जो ऊपर जो होती है वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पे। और ये गाड़ी हमने पार्किंग लगाई हुई है यहाँ पे, और ये अब गाड़ी में जा रहे हैं अब।
हो गया, हम घूम लिए यहाँ पे तीनों बजे। पिछला करा साड़ी नहीं करा। यहाँ पे लंच करके जगह है जहाँ से हमने टर्न करना होता है अंदर के लिए, तो लंच स्टेशन है वहाँ जाके आप अंदर के लिए टर्न करेंगे तो वो रास्ता जाएगा वहाँ पे मंदिर के लिए। काफ़ी अच्छा रोड है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है यहाँ। लिमिट तो 30 की है लेकिन हमारी 90 पे चली हुई है, 3 गुना ज़्यादा जा रही है गाड़ी। ये है पुराना पुल जो लोहे का पुल था और उसके बाद जो नया पुल बन गया था। जब मैं पहली बार गया था इधर मंदिर में तो मैं इस पुल के ऊपर से ही गया था, बहुत जाम लगता था यहाँ पे, लेकिन अभी नया पुल बन गया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ये कितने मोटे मोटे तारों के साथ बनाया हुआ था ये, और काफ़ी पुराना पुल था ये, और पानी यहाँ भी खूब है। और ये हम काफ़ी पुराने पुल के ऊपर हैं, पुल वैसे टूट गया हुआ है जगह जगह से लेकिन फ़ोटोशूट के लिए हमें काफ़ी अच्छा है, तो अभी हमने यहाँ फ़ोटोशूट कर लिया है। और ये नया ब्रिज है यहाँ पर साइड में और काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पर, तो चलो अभी चलते हैं हम आगे, लेट्स गो। देख सकते हैं इसकी ख़त्म हो गई हुई थी, ये देखिए सारा ब्रिज लकड़ का था, लोहे का था, और उसके ऊपर जो था चारकोल वगैरह लुक जो होता है उसको डाला हुआ था, लेकिन ये देखिए अभी लकड़ियाँ सारी टूट गई हैं, इसीलिए नया पुल बनाया था क्योंकि ये पुल ख़त्म हो गया हुआ था कागजों में। साइडों से तो ठीक है लेकिन बीच में जो है इसके लकड़ी जो है वो टूट गई हुई है। यहाँ से हमें अंदर को टर्न करना होता है मेन हाईवे से, ये जो प्रॉपर जगह है ये है रानीताल, यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ेगा अगर हमने जाना है। हम पिछले वाले मोड़ से मुड़ गए थे तो थोड़ा रास्ता वो वाला गंदा है, तो आपने आना हो तो इस रास्ते से आना आपने। ये हमारे एसीबी और पीछे लगी हुई थी फ्यूरी, ये है हमारे टच को ले गई जेसीबी मुंडू जी ड्राइवर। नाना जी काफी थक गए हुए थे तो हमने यहाँ पे लेमन सोडा ऑर्डर किया है, ठंड पा रानी को ठंड पा, दिल खराब हो रहा था इसके, दिल उल्टी आ रही थी, माने कच्चा पक्का हो रहा है, सीधी नहीं आ रही थी आपको? नहीं उल्टी सीधी आ रही है, माने कच्चा पक्का हो रहा है रानी जी का। देखिए सनी थोड़ी देर देखे, ओए 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 रानी वो पानी छिड़ता नहीं सामने, नहीं थोड़ी देर अपने आप स्टार्ट हो ही नहीं। ये लेमन सोडा और ये मैगी बन रही है, मैगी खिलाने वाले हैं तो अभी मैगी खाएंगे हम, सोडा हमने पी लिया है। जय माँ बगलामुखी। पार्किंग है ऊपर।
सब सुख समृद्धि बनाए रखो। ये हम आए थे देरा में टावर हाउस में, आप देख सकते हैं लोकेशन कितनी अच्छी है यहाँ पे। ये सारा पानी में भरा होता है कभी, लेकिन अभी यहाँ पे सब खाली ही पड़ा हुआ है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं भरवाई। ठीक है विशाल जी, ओके बाय बाय। विशाल जी आपको हमने इनको उतार दिया है और अब राणा जी आगे आ गए हैं और हमारी बाइक आगे चल रही है। तो अभी हमें बाइक पे जाना है थोड़ी देर में, ये है बाइक। हमसे कुछ सामान लेना था तो सामान लेके उसके बाद फिर निकलते हैं हम। और अभी हम करलूई में विशाल को ड्रॉप करके आम को चले हुए हैं। और ये आ रहा है और आज अच्छी डांस कर रहे हैं और ये गिर गया।